पहुंच चुका हूं, जम्मू में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी जी सतवारी में। इस भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राहुल गांधी जी को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जम्मू के सतवारी में। इस वक्त राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं, ये जम्मू के अंदर इंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के जम्मू के अंदर इंटर हुए हैं राहुल गांधी जी, ये साफ तौर पे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये हैं राहुल गांधी जी, ये राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा व दीगर कांग्रेस के बड़े लीडरान जो हैं वो यहाँ पे हैं। राहुल गांधी जी के बिल्कुल शाना बिशाना यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी जी और विकार रसूल साहब, ये जो यहाँ पे राहुल गांधी को आप देख सकते हैं इंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर सामने राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू एंटर कर चुके हैं। ये आपके सामने दृश्य है, राहुल गांधी जम्मू एंटर कर चुके हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जम्मू पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस समय ये अपना हक मांग रहे हैं और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूँ और यहाँ पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं, देख रहा किसी माताएं बहने हम कवर कर रहे हैं ना सर, युवा बच्चे किसान सब मिल रहे हैं। यहाँ आते हैं सड़क पे आते हैं मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं। हम लाखों लोग दो तीन चीजें मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जानते हो मगर मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूं बेरोजगारी के बारे में बोलता हूं, कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया है।
बीजेपी के लोग नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं, और इनको जो आर्मी का इथोस है इनको वो ही नहीं समझ आया। देखिए किसी भी काम को सीखने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं, सही बात है? सही है? आप खाना पकाती हैं, आपको कितने 8 साल लगे? मतलब एक्सपर्ट आप 7-8 साल में बनी? नहीं, तो किसी भी काम में 7-8 साल लगते हैं। आर्मी जो है एक परिवार है, जो सेना लड़ती है वो रिश्ते के बल पे लड़ती है। सैनिकों के बीच में जो रिश्ता होता है उसके बल पे लड़ती है। वो रिश्ता 1-2 साल में बनता ही नहीं, उस रिश्ते को बनने के लिए, मजबूत होने के लिए कम से कम 7-8 साल लगते हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं इनको ये बात समझ नहीं आई। ये सोचते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने में हो जाएगी, जो सीखना है वो 6 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आर्मी में सालों लगते हैं एक सैनिक को तैयार करने के लिए, सालों लगते हैं उस सैनिक और दूसरे सैनिकों के बीच में रिश्ता बनाने के लिए। तो ये अग्निवीर योजना जो है ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है। और ये बेचारे जो हमारे आर्मी के लोग ये कह नहीं सकते हैं, मगर मैं जानता हूं अगर इनसे पूछा जाए तो ये सारे के सारे कहेंगे कि ये अग्निवीर योजना के खिलाफ है, अग्निवीर योजना गलत है। तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। पहले युवा आर्मी में जाता था, 15 साल की उसकी सर्विस होती थी, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। अग्निवीर योजना में 4 साल की सर्विस होगी, उसके बाद सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। इससे खिलवाड़ कर रहे हैं। देश ने कहा था, देश हर सैनिक से कहता है कि हम आपसे 15 साल मांगते हैं, उसके बाद हम आपकी पूरी जिंदगी आपको पेंशन देंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो ये अग्निवीर योजना जो पहले युवाओं के लिए एक रास्ता था ये भी इन्होंने बंद कर दिया। बेरोजगारी क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार चुने हुए 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ये देखो यहां पे आपका पूरा का पूरा व्यापार जो भी आप करते हो सारा का सारा उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के हाथ चला जाएगा। सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कि देखिए नोटबंदी काले धन के खिलाफ योजना है। काला धन मिट गया क्या? नहीं मिटा ना भाई और बहनों। नोटबंदी और गलत जीएसटी योजनाएं नहीं है, ये हथियार हैं। ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को मारने के, खत्म करने के हथियार हैं। और सच्चाई ये है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते हैं। ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लें ये नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने क्या किया, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, इस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है।
इसीलिए आज पूरे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। आप दूसरा सवाल पूछोगे, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? वही कारण है, पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था, आज कितना है? 100 रुपए। तो जब आपके जेब में से जो 50 रुपए निकल रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? हवा में तो गायब नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे। क्या वो छोटे व्यापारियों की जेब में जा रहे हैं? नहीं। किसानों की जेब में जा रहे हैं क्या? नहीं। बेरोजगार युवाओं की जेब में जा रहे हैं क्या? नहीं। ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसका पैसा कहां जा रहा है? वो भी 3-4 लोगों के पास। अभी यहां पे आपका सेब आते हैं, सेब बिकते हैं, फायदा किसको जाएगा देख लेना। तो पूरा का पूरा धन, देश का पूरा धन 3-4 लोगों के हाथ में जा रहा है और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी महंगाई का सामना कर रहा है। इसलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की और इसमें आपने हमारी जबरदस्त मदद की है। आप ये मत सोचिए कि 3,500 किलोमीटर चलना आसान है, ये आसान काम नहीं है। जब हमने शुरू किया था हमने सोचा कि ये देखो काफी मुश्किल काम है, मगर चलने के बाद पता लगा ये तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। इतनी मदद आपने की हमारी, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह हम उठते 5 बजे सुबह उठते थे, अब यहां पे सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि 7 बजे निकलना है। मैं चाहता था 6 बजे निकल जाना चाहिए, मगर इन्होंने कहा नहीं 7 बजे निकलेंगे, चिट्ठी लिख दी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली बात। मगर हम निकलते थे सुबह, पूरा दिन चलते थे, 25-27 किलोमीटर बाद ऐसे लगता था कि पहला किलोमीटर चल रहे, थकान ही नहीं होती थी बिल्कुल। पूरा आपने पूरी मदद की, पूरी शक्ति डाली, प्यार दिया यात्रा को, किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे, मदद करते थे, काफी लोगों को चोट लगी अस्पताल जाना पड़ा, आपने एकदम मदद की। हमारे यात्री चलते हैं रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना खाने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप भारत जोड़ रहे हो, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। ये देखो ये कह रहे हैं आज नहीं लिया। पूरे देश में तमिलनाडु से केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हैं, हमारे यात्रियों से आप पूछिए रेस्टोरेंट में, ढाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता। ये प्रेस वाले पूछते हैं राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है, राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है? आप इतना प्यार दे रहे हो, इतनी मोहब्बत दे रहे हो कि मुझे ठंड नहीं लग रही भैया, इनको बात नहीं समझ आएगी, आई नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूं पसीना आ रहा है मुझे अभी। तो ये मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया, तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन
आपको जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। आपने आपने इतना प्यार दिया, दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हम आपके साथ और चलेंगे, आपसे मिलेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंत में ताराचंद जी, पीरजादा जी, मुल्ला राम जी और जो एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ लीडर्स आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, नफरत छोड़ो, 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 जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगा दो, जिंदाबाद,